साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म में आज कैबिनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सम वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैव बीन टेकन इन टुडेज कैबिनेट। आई विल प्रेजेंट फाइव इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन दिस ब्रीफिंग। मैं आज की इस ब्रीफिंग में पांच इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपके सामने रखूंगा। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को, अन्नदाताओं को हमेशा एक प्राथमिकता देते हैं। अपने नए कार्यकाल में जो सबसे पहला डिसीजन लिया, वो डिसीजन भी किसानों के हित में लिया गया था। आज की कैबिनेट में ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इन टुडेज कैबिनेट आल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैज बीन टेकन रिगार्डिंग दी वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। खरीफ सीजन स्टार्ट हो रहा है। खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। मैं इन प्राइसेस के बारे में पढ़ूंगा, उससे पहले आई विल गिव द कॉन्टेक्स्ट। इन द 2018 यूनियन बजट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड गिवन अ वेरी क्लियर पॉलिसी डिसीजन had taken a very clear policy decision that MSP कम से कम डेढ़ गुना होनी ही चाहिए कॉस्ट की। इट हैज टू बी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आज के जो फैसले आप देखेंगे, इन सब फैसलों में इस प्रिंसिपल को ध्यान रखा गया है। एवरी क्रॉप दैट आई एम गोइंग टू रीड आउट विल हैव एटलीस्ट 50% मोर MSP कंपेयर टू द कॉस्ट। और कॉस्ट को निकालने का भी बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। इसका एक मैकेनिज्म है CACP के द्वारा। देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई विलेजेस में जाके स्टडी किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सारे के सारे फैक्टर्स को लेके स्टडी किया जाता है। तो इसके आधार पर आज जो MSP डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया MSP पैडी का नया MSP खरीफ के लिए 2300 रुपीस डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीस इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस MSP। आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310। यानी कहाँ 1310 था और कहाँ आज 2300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका MSP 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीस डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज्यादा है, 501 रुपीस ज्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस MSP। अगेन टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, 2013-14 में MSP वाज ओनली 3700 रुपीस। जो मिलेट्स है, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट्स के प्रोडक्शन, मिलेट्स की प्रोसेसिंग और दुनिया भर में मिलेट्स के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स है उसको एक अलग ही तरीके से प्रोत्साहन दिया है, अलग ही तरीके से एनकरेज किया है। इस एनकरेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का कैबिनेट का फैसला भी। ज्वार 3371 रुपीस, रागी 4290 रुपीस, बाजरा 2625 रुपीस और मक्का मेज 2225 रुपीस। ये सब के सब अगर आप कंपेयर करो 2013-14, तो उस टाइम में फॉर एग्जांपल ज्वार वाज ओनली 1500 रुपीस, इट इज टुडे 3371 रुपीस। करीब करीब हर एक में अच्छा इंक्रीमेंट है, बहुत बड़ा इंक्रीज है। वैसे ही दलहन, दालें, दालों के प्रोत्साहन के लिए भी, जैसा आप जानते हैं कि
हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि दाल में और ऑयल में, एडिबल ऑयल में, इन दोनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरे प्रयास करने हैं और उसके लिए कई तरह के नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उसमें एमएसपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मूंग की एमएसपी डिसाइड हुई है 8682 रुपीस। तूर की एमएसपी है 7550, ये पिछले एमएसपी से 550 रुपए ज़्यादा है। उड़द की हुई है 7400 रुपीस, जो कि पिछले एमएसपी से 450 रुपए ज़्यादा है। आप देखेंगे करीब करीब हर एक फसल में एमएसपी पहले के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। इसी तरह से ऑयल सीड्स में सबसे पहले सीसमम यानी तिल 9267 रुपीस, ये पिछले एमएसपी से 632 रुपए ज़्यादा है, 632 रुपीस ज़्यादा है। ग्राउंडनट मूंगफली का तेल 6783, राम तिल एक छोटी कमोडिटी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट कमोडिटी है, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में इसका अच्छी ग्रोथ होती है। नाइजर सीड कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में राम तिल 8717, ये भी 983 रुपीज़ इंक्रीज किया गया है। सनफ्लावर 7280, सोयाबीन 4892 रुपीज़। तो हर एक में सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया गया है। और आप जानते हैं कि नेफेड की एक बहुत अच्छी ऐप बनी है जिसमें कोई भी दलहन यानि दाल या तिलहन यानि ऑयल सीड और मक्का यानि मेज, इसकी खरीदी सुनिश्चित करने के लिए नेफेड की बहुत अच्छी ऐप है। इस ऐप से किसानों के लिए अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस को बेचना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है 2,00,000 गोडाउन बनाने का। 2,00,000 गोडाउन बनाने का देश भर में काम चल रहा है। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों वाली टर्म है। पहली दो टर्म्स में बहुत अच्छा एक बेस बना है इकोनॉमी का, किसानों के वेलफेयर का। अब उसके आधार पर, उस बेस पर एक बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी जंप ली जा सकती है क्योंकि बेस बहुत मजबूत बना है। ये कंटिन्यूटी विद चेंज का पॉलिसी है। कंटिन्यूटी विद चेंज, कंटिन्यूटी है किसानों पे फोकस, कंटिन्यूटी है कि किसानों के हर इनपुट पे ध्यान देना। जैसा आप जानते हैं दुनिया भर में फर्टिलाइजर की कॉस्ट 3,000 रुपये पर बैग के हिसाब से हो गई थी, लेकिन मोदी जी ने थ्रू आउट दी डिसरप्शन कॉज्ड बाय कोविड एंड दी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, डिस्पाइट ऑल दैट फर्टिलाइजर की प्राइस को भारत में कम रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश भर में, दुनिया भर में इस चीज़ पे आश्चर्य करते हैं कि जहां दुनिया में 3,000 रुपये कॉस्ट चली गई थी, 300 पे रखा गया भारत में। और हमारे किसान भाई भी इसको मानते हैं, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में सभी कार्यकर्ता भी इसको समझते हैं। तो एक तरीके से जो खेती से रिलेटेड पूरा जो फ्रेम है, इसमें हर एक पॉइंट पे, बीज से बाजार तक, हर एक पॉइंट पे एम्फेसिस दिया गया है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू एडिशन का ध्यान रखा गया है। तो ये जो 2,00,000 गोडाउन का अभियान जो चल रहा है, इससे किसानों को अपने प्रोडक्ट को सफिशिएंट टाइम तक, जब तक वो चाहे तब तक उसको स्टोर कर सके। और ये सारा का सारा कोऑपरेटिव सेक्टर में बन रहा है, कम्प्लीटली कोऑपरेटिव सेक्टर में बन रहा है। जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जो कि एकदम जिले से भी नीचे पंचायत के स्तर पे होती है, उसमें ये सब बन रहा है। यानी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन से अपने प्रोड्यूस को ठीक जगह पे रख सकें, टाइमली स्टोर कर सकें, साइंटिफिक वे में उसको प्रोसेस कर सकें, और जब ठीक टाइम हो, जब अपनी चॉइस हो, उस चॉइस के हिसाब से मार्केट में ले जा सके। साथियों, इस पूरे आज के फैसले से किसानों के पास करीब करीब 2,00,000 करोड़ रुपए किसानों के एमएसपी के एवज में
जाएंगे किसानों के खातों में. दिस इज 35,000 करोड़ रुपीज मोर देन द प्रीवियस सीजन. 2 लाख करोड़ रुपीज विल बी द टोटल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ द एमएसपी एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन फार्मर्स इनकम. मैं इस पॉइंट के बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ. और नेक्स्ट पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है. आप सब जानते हैं कि 10 वर्षों में मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस ध्यान देके, बहुत ही फोकस्ड वे में ध्यान देकर एक नया पैरामीटर, नया पैमाना, एक नया लेवल क्रिएट किया इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन का. चाहे वे कंस्ट्रक्शन हो, रेलवे कंस्ट्रक्शन हो, ट्रांसमिशन लाइन्स हो, पोर्ट्स हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एम्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, आईआईटीज हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए टावर्स हो, ऑप्टिकल फाइबर लाइन्स हो, इसमें एक टोटली नया एक आयाम, टोटली नया एक डायमेंशन क्रिएट किया है. आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है भारत के पोर्ट एंड शिपिंग सेक्टर के लिए, और इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊंगा अभी कितनी सिग्निफिकेंस है. महाराष्ट्र में दहनू तालुका में पालघर जिले में वधावन पोर्ट, ये पोर्ट इतना इम्पोर्टेंट पोर्ट है. इस पोर्ट का आज अप्रूवल हुआ है 76,200 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है. ये 76,200 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस आप समझे, अगर आज पूरे देश में करीब करीब 20 मिलियन टीयू कंटेनर की जो कैपेसिटी होती है, 20 मिलियन टीयू कैपेसिटी है, उसके कंपैरिजन में इस अकेले वधावन पोर्ट में कंटेनर की जो नई कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी वो है 23 मिलियन टीयू कंटेनर्स. मतलब पूरे देश की जितनी कैपेसिटी है आज, उसके बराबर और उससे ज्यादा कैपेसिटी एक अकेले वधावन पोर्ट में क्रिएट की जाएगी. बहुत ही सिग्निफिकेंट है देश की ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, और देश में रोजगार की सृष्टि के लिए. ये कंटेनर, ये टर्मिनल मेगा पोर्ट बनेगा. टोटल इसकी कैपेसिटी होगी 298 मिलियन टन्स. इसकी एक बहुत नेचुरल एडवांटेज है. पोर्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कितनी डेप्थ मिलती है. डेप्थ को टेक्निकल भाषा में कहते हैं ड्राफ्ट. कितना ड्राफ्ट मिलता है, यानी कितनी गहराई मिलती है. जितनी गहराई मिले उतनी बड़ी शिप उस पोर्ट में आ सकती है. कम गहराई है तो छोटी शिप आ पाएगी, ज्यादा गहराई है तो बड़ी शिप आ पाती है. जहां नेचुरल गहराई होती है, नेचुरल ड्राफ्ट होता है, दैट प्लेस रिक्वायर्स लेस ड्रेजिंग, यानी लेस मेंटेनेंस, लेस ऑपरेशन कॉस्ट. वधावन पोर्ट इज वन ऑफ दोज वेरी सिग्निफिकेंट नेचुरल साइट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वेयर द नेचुरल ड्राफ्ट इज 20 meters. Natural draft 20 meters is a very, very significant parameter for developing a new port. One more thing I would like to emphasize is, इस port के पूरे construction process में, approval process में, massive consultation हुआ है. एक एक stakeholder के साथ बातचीत हुई है, उनके views लिए गए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया गया है. बहुत सारे डिजाइन चेंजेस लोकल पॉपुलेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए किए गए. जैसा आपने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में केवल बात पोर्ट की नहीं रहती है, इसमें साथ ही साथ इतना बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक स्फेयर बन जाता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, कई तरह की एक्टिविटीज बढ़ती है. इस पोर्ट से एस्टिमेट किया जा रहा है कि करीब 12 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. करीब करीब 12 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड
by this port. This is going to be a mega terminal, and this will be an integral part of the IMEC corridor. जो इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर है उसका एक इंटीग्रल पार्ट ये पोर्ट होगा. इस पोर्ट की रेलवे कनेक्टिविटी और हाईवे कनेक्टिविटी पोर्ट की डिज़ाइन के साथ ही इंटीग्रेट की गई है. रेलवे करीब करीब 12 किलोमीटर दूर है पोर्ट से और हाईवे थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ लगा हुआ पोर्ट है. सो पोर्ट का जो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है दो होती है, एक होती है डेप्थ, दूसरा होता है हिंटरलैंड के साथ कनेक्टिविटी. तो इसमें हिंटरलैंड के साथ जो कनेक्टिविटी है वो सीमलेस कनेक्टिविटी होगी, 12 किलोमीटर दूर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. तो अपने आगामी समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वर्धमान पोर्ट विल बी अ मेजर मेजर मल्टीप्लायर इम्पैक्ट रहेगा इसका. बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस प्रोजेक्ट को आज अप्रूव करना. इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करीब करीब 60 साल पहले हुई थी. इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था 60 साल पहले, लेकिन ये मोदी जी का फोकस है कि वो दूर की सोच के बहुत ही एक विजन के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ आगे का भविष्य की क्या रिक्वायरमेंट्स होगी उन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फैसला करते हैं. इसमें 9 कंटेनर टर्मिनल्स रहेंगे जिसमें मेगा वेसल्स आएंगे, मेगा कंटेनर वेसल्स आएंगे, वेसल यानी शिप, मेगा कंटेनर शिप्स इसमें आएंगी. 4 मल्टीपर्पज बर्थ रहेंगी, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ रहेगी, यानी पेट्रोलियम इंपोर्ट हो गए, ऑयल इंपोर्ट हो गया, इन सब के लिए. 1 रोरो बर्थ रहेगी, रोरो बर्थ यानी जिसपे गाड़ी आए और शिप के अंदर सीधी बैठ जाए, यानी ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स के लिए काम आएगी. और 1 कोस्ट गार्ड की बर्थ रहेगी. It's going to be a very big port. It will be constructed by the joint venture of Jawaharlal Nehru Port Authority and Maharashtra Maritime Board. Iska complete construction 2 phases mein hoga. Phase 1 jo 2029 tak complete hone ka plan hai, usme 15 million TU capacity create ki jayegi, aur uske baad mein phase 2 mein अनदर 8 मिलियन टन्स करके टोटल 23 मिलियन टन्स की 23 मिलियन TU की कैपेसिटी इसमें क्रिएट की जाएगी. ये पोर्ट कंप्लीट होने के बाद में वर्ल्ड के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक होगा. दिस पोर्ट हैज द पोटेंशियल टू बी अमंग द टॉप 10 पोर्ट्स इन द एंटायर वर्ल्ड. दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पोर्ट. मुंबई से केवल 150 किलोमीटर दूर है. So this will have a significant impact on significant positive benefits for all the industries which are close to Mumbai, जैसे ठाणे का एरिया हो गया, कल्याण एरिया हो गया, वापी एरिया हो गया. इस तरह से एक पूरा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एरिया को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा. और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चूंकि वहां तक पहुंच चुका है ऑलरेडी दहानू तक, तो इसलिए कंप्लीट नॉर्दर्न इंडिया के इंडस्ट्री को भी, वेस्टर्न इंडिया के इंडस्ट्री को भी, और ईस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर्स को भी कंप्लीट इस पोर्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी. सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव. दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी. फ्रेंड्स, आई विल कम टू द थर्ड ब्रीफिंग पॉइंट. आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल दिया है रिन्यूएबल एनर्जी को. रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी गोल्स भारत ने सेट किए थे उन सब गोल्स को समय से पहले पूरा किया. और आज दुनिया में बड़ा आश्चर्य करते हैं, कभी भी डेवोस में या जब भी जाते हैं, मैं एक छोटा सा प्रश्न जब लोगों को पूछता हूँ कि भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी कितनी है, तो लोग आश्चर्य करते हैं जब उनको 42% या अभी 43% हो गई है. इतनी हाई कॉम्पोजिशन रिन्यूएबल एनर्जी का है पावर जनरेशन कैपेसिटी में, ये लोग सुन के बहुत आश्चर्य होते हैं, क्योंकि कई देशों में, अच्छे हमसे समृद्ध देशों में भी आज भी इससे सिग्निफिकेंटली लेस नंबर है. उसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक लैंडमार्क डिसीजन है.
ये एक लैंडमार्क डिसीजन है, भारत में पहली ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का आज अप्रूवल हुआ है। 1 गीगावाट यानी 1000 मेगावाट का दो प्रोजेक्ट, एक 500 मेगावाट का और दूसरा अनदर 500 मेगावाट का। ऑफशोर विंड का मतलब ये हुआ, आपने सबने देखी है विंड एनर्जी की टर्बाइन्स जो लगती है, अभी पूरे देश भर में काफी लगी हुई है। ऑफशोर विंड एनर्जी टर्मिनल फ्लोटिंग टर्मिनल्स होते हैं जो कि समुद्र में कोस्ट से डिस्टेंस पे, जब कोस्ट से थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे ऑफशोर विंड टर्मिनल लगता है, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि विंड लगातार पूरे साल चलती है, यानी आपको एक स्टेबल पावर उस विंड टर्बाइन से मिलता है, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और दुनिया में आज करीब करीब हर देश जिसकी कोस्टलाइन है, चाहे US हो, UK हो, फ्रांस हो, सभी के सभी इस टेक्नोलॉजी पे आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बोथ ऑन द वेस्ट कोस्ट एज वेल ऑन द ईस्ट कोस्ट विंड स्पीड्स और विंड की जो इंटेंसिटी है और विंड की जो कंटिन्यूटी है, वो दोनों ही कोस्ट पे अच्छी है। पूरे के पूरे कोस्ट लाइन जो कि करीब करीब 7000 से ज्यादा की कोस्ट लाइन है, 7000 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्ट लाइन है, उन दोनों में जो विंड की प्रोपेंसिटी है उसको साइंटिफिक वे में मेजर करके दो पॉइंट्स पहले दो प्रोजेक्ट के लिए आइडेंटिफाई किए। इसके बाद में तो और कई नए प्रोजेक्ट्स आएंगे इसमें, पहले दो प्रोजेक्ट से टेक्नोलॉजी सीखना, उसका इकोसिस्टम बनना, वो सब बनता है। पहले दोनों प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट लगेगा गुजरात में 500 मेगावाट का और सेकेंड प्रोजेक्ट लगेगा तमिलनाडु में 500 मेगावाट का। टोटल भारत के ऑफशोर विंड की अभी जो पोटेंशियल मेजर किया गया है, अनुमान लगाया गया, जो एस्टिमेट किया गया है, वो करीब 70,000 मेगावाट का है। इट्स ह्यूमंगस, 70,000 मेगावाट का टोटल विंड पोटेंशियल, ऑफशोर विंड पोटेंशियल अभी मेजर किया गया है। और इस दिशा में आज पहला अप्रूवल, पहला कदम 7,453 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से ये दो प्रोजेक्ट्स लगेंगे, जहां पर बहुत अच्छा विंड पोटेंशियल है। इससे गुजरात को 4.5 रुपीस पर यूनिट कॉस्ट में बिजली मिलेगी और तमिलनाडु को 4 रुपीस पर यूनिट कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। जो ऑफशोर विंड टर्मिनल होता है, ऑफशोर टर्मिनल मान लो ये टावर है, ये टावर समुद्र के अंदर लगा हुआ है, राइट? तो समुद्र के अंदर से इस इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए अंडर सी पावर केबल बनाने पड़ते हैं, अंडर सी इलेक्ट्रिसिटी के केबल्स लगाने पड़ते हैं। तो वो केबल्स लगेंगे और उन केबल्स को लैंड करना पड़ता है पोर्ट में, पोर्ट के अंदर पूरा उसका लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट की लैंडिंग होगी। पहला दीनदयाल पोर्ट, जिसका पुराना नाम कांडला पोर्ट होता था, और दूसरा वीओ चिदंबरनार पोर्ट। इन दोनों पोर्ट्स में लैंडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, जिसमें कंप्लीट सबस्टेशन बनेगा पावर को रिसीव करने के लिए और वहां से आगे ग्रिड के अंदर उसको एड करने के लिए उसका टर्मिनल, उसका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। ये सारा काम करेंगे पावर ग्रिड की तरफ से, और दोनों पोर्ट की जो अथॉरिटीज हैं, उन दोनों पोर्ट अथॉरिटीज को भी इसकी फंडिंग इसी प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा सेकी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी के अंदर MNRE में ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने बहुत अच्छा काम किया है सोलर में, विंड में, हाइब्रिड में, बहुत अच्छा काम किया है 10 साल में। वो इसका प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की अथॉरिटी रहेगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में वधावन पोर्ट और ऑफशोर विंड एनर्जी दोनों के दोनों
बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है और फर्स्ट 100 डेज के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फैसलों में है। चौथा ब्रीफिंग का पॉइंट है आज का, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हम सब जानते हैं काशी एक ऐसा शहर है जो कि आज दुनिया भर का एक अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है, और वाराणसी का जो एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक मॉडर्न एयरपोर्ट है, और जितना आज टूरिज्म भक्तों का पिलग्रिमेज का इकोनॉमिक एक्टिविटी का आज ट्रैवल पोटेंशियल है, तो वाराणसी एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी थी 39 लाख पैसेंजर्स पर एनम की कैपेसिटी है वो करीब करीब कंप्लीट हो गई है, करीब करीब अब वो फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। टाइम हैज कम टू एक्सपैंड इट। तो आज के इस डिसीजन में कैबिनेट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में फैसला लिया गया कि वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपैंड किया जाएगा, एक नया टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा, इसमें रनवे का एक्सपेंशन होगा, और जो हाईवे है उसको अंडर सरफेस अंडरपास की तरह डेवलप किया जाएगा जिससे कि रनवे को फुल लेंथ मिल सके, प्लस ILS जो इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड लैंडिंग सिस्टम होता है उसका इसमें किया जाएगा। ये कम्प्लीटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंटरनल रिसोर्सेज से इसका डेवलपमेंट होगा। 2,870 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, 2,870 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। इस टर्मिनल को कम्प्लीटली भारत की संस्कृति को दर्शाने वाला प्रोजेक्ट की तरह डेवलप किया जाएगा। आपने देखा चाहे रेलवे टर्मिनल्स हो चाहे एयरपोर्ट्स हो, सब में हमारी संस्कृति को भारत की संस्कृति को दिखाने का एक माध्यम वो बने और हेरिटेज को प्रिजर्व करने का एक माध्यम बने, उसी भावना के साथ इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। इस एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा जिससे कि एनर्जी कंजम्पशन मिनिमम हो, और एनर्जी कंजम्पशन जितना भी है वो सोलर द्वारा खुद का जनरेटेड हो। ये चौथा ब्रीफिंग का पॉइंट था साथियों। लास्ट एंड फाइनल ब्रीफिंग पॉइंट जो कि हम सब के जीवन में, समाज के जीवन में, हमारे इकोनॉमिक लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है, वो फैक्टर पे फिफ्थ डिसीजन है जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो ये जो डिसीजन है इस डिसीजन के रिजल्ट अगले 20-30 वर्षों तक मिलता रहेगा, 40-50 वर्षों तक मिलता रहेगा, वैसा ये बड़ा फैसला है। ये फैसला है फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने का, आज एक नई स्कीम बनाई गई। आप सब जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता जो कि क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस को कंप्लीट ओवरहॉल किया गया, और आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर कहें तो वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रिफॉर्म है। उस रिफॉर्म में साइंटिफिक एविडेंस को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, और लॉ के अंदर ही रखा गया है कि कई ऐसे केसेस, कई ऐसी कैटेगरीज ऑफ केसेस, उसमें साइंटिफिक एविडेंस के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। यानी साइंटिफिक एविडेंस यानी फॉरेंसिक एविडेंस को कंपल्सरी किया गया है। तो जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते देश की सेवा करते थे, तब उन्होंने दूरगामी सोच के साथ नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी बनाई गांधीनगर में, और NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी ये अपने आप में दुनिया की एक अलौकिक, एक अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि फॉरेंसिक साइंसेस को डेडिकेटेड है। आप सोचिए कितना दूर का विजन है। इस विजन के तहत उन्होंने NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी बनाई, और आज फैसला ये लिया गया कि 28 राज्यों में और सभी यूनियन टेरिटरीज में इस तरह की व्यवस्था हो कि हर राज्य में, हर यूटी में इस यूनिवर्सिटी का, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का एक ऑफ कैंपस, एक अच्छी वेल इक्विप्ड वेल ट्रेन्ड एक अच्छी लेबोरेटरी बने जहां पर ट्रेनिंग दी जा सके,
और टोटल देश भर में 9000 स्टूडेंट्स को, 9000 स्टूडेंट्स को हर साल फॉरेंसिक साइंसेज में ट्रेनिंग दी जा सके, उतनी कैपेसिटी डेवलप करना है, वो आज इस कैबिनेट में फैसला लिया गया। ये करीब 2254 करोड़ रुपीस का टोटल स्कीम है। 40 देशों के, भारत के अलावा 40 देशों के स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में आके ट्रेनिंग लेंगे और पूरे दुनिया में ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और पूरी दुनिया में ये फर्स्ट एंड यूनिक यूनिवर्सिटी है जो कि डेडिकेटेड टू फॉरेंसिक साइंसेज को है। इसी में जब ये साइंटिफिक एविडेंस आने लगेगी तो जो कन्विक्शन रेट होता है, यानी जस्टिस मिलने का, सही व्यक्ति को न्याय मिले, जो क्राइम करता है उसको पनिशमेंट मिले, उसमें कन्विक्शन रेट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आएगी और उसका नेचुरल बेनिफिट पूरी सोसाइटी को मिलेगा कि कन्विक्शन रेट में बढ़त होती है तो लोगों की क्राइम करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो सोसाइटी में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आए, उस भावना के साथ इस कैबिनेट का आज ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था। जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पहले ही 100 दिनों में बहुत इम्पॉर्टेंट फैसले किए जाएंगे, बड़े फैसले किए जाएंगे, तो आज की इस कैबिनेट में 5 बहुत इम्पॉर्टेंट फैसले आपके सामने रखे गए। आई टेक द क्वेश्चंस नाउ। हम कैबिनेट डिसीजन संबंधित प्रश्न अब लेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी और पूछने के पहले अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन जरूर बताएं। सर, पहला क्वेश्चन नंबर 256 आपके राइट पर। मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। ये MSP में बढ़ोतरी से किसानों के पास 2,00,000 करोड़ रुपए जाएंगे, इसका आकलन किस आधार पर किया गया है और जिन 14 फसलों के MSP बढ़ाई गई है उनमें से कितने फसल ऐसे हैं जिनकी MSP से कम कीमत बाजार की हो जाती है तो सरकार उन्हें खरीदने की गारंटी लेगी? देखिए, खरीफ की ये जो फसलें हैं, इन फसलों की टोटल प्रोडक्शन और खरीद राज्यों के साथ मिलके CACP जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टिमेट करता है कि कितना खरीद होगी, कितना प्रोडक्शन होने की एस्टिमेट है और उसका क्या प्रोसेस है पूरा का पूरा, वो CACP इसका एस्टिमेशन करती है राज्यों के साथ मिलके। उसके आधार पे अभी जो MSP का प्राइस अनाउंस हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, अप्रूव हुआ है, उसके आधार पे एस्टिमेट किया गया है कि 2,00,000 करोड़ का ये अमाउंट। ये अमाउंट पिछले साल के MSP के कंपैरिजन में 35,000 करोड़ रुपीस ज्यादा है। जो एस्टिमेट किया गया है इसमें, वो एस्टिमेट राज्यों के साथ मिलके किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें पास्ट रिकॉर्ड, मोदी जी की सरकार का पास्ट रिकॉर्ड में प्रोक्योरमेंट अगर हम देखें तो हम किसी भी पैरामीटर पे कंपेयर करें, जैसे मैं आपको 2004-2005 से 2013-2014 यानी 4 से 14 वाला जो UPA सरकार का कार्यकाल था, उस कार्यकाल से अगर कंपेयर करूं 14-24 तो पैडी है 4,590 लाख मेट्रिक टन खरीदी गई थी 4 से 14 में, और मोदी जी के दोनों कार्यकाल में 6,914 लाख मेट्रिक टन खरीदी गई, यानी सिग्निफिकेंटली ज्यादा। अगर मैं टोटल करूं तो हर एक, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, मेज हो, चाहे तूर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, हर एक पैरामीटर पे 10 साल UPA के वर्सेस 10 साल NDA के, इसमें सभी पैरामीटर्स पे हर फसल पे ज्यादा खरीद की गई है, उसी आधार पे ये एस्टिमेट बना। पिछली बार धान की MSP 143 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई थी, इस बार सिर्फ 170 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है, क्या सरकार धान की खेती को हतोत्साहित करना चाहती है? बिल्कुल नहीं, वो 173
पिछली बार वाली जो बढ़त है वो ऑलरेडी इसमें प्राइस में इंक्लूडेड है। प्राइस स्टेप बाय स्टेप हर साल बढ़ रहा है, करेक्ट? प्राइस हर साल स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, जितनी कॉस्ट बढ़ रही है उससे ज्यादा प्राइस बढ़ना है, ऐसा फॉर्मूला 2018 की बजट के द्वारा अनाउंस किया हुआ है, राइट? तो अभी जितनी कॉस्ट बढ़ी है उस कॉस्ट के अनुपात में प्राइस बढ़ा है, तो पिछला प्राइस जो इंक्रीज हुआ था वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। अगला क्वेश्चन आप 212। हाय सर, आई एम तुवेश मिश्रा फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। सर, फॉर द विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इज देयर अ वायबिलिटी गैप फंड आल्सो व्हिच हैज बीन अप्रूव्ड? हाँ बिल्कुल है, और जब पहला प्रोजेक्ट लगता है तो पहले प्रोजेक्ट में सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट गोज इन क्रिएटिंग अ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, विंड टर्बाइन जहाँ पे लगेगी सी के अंदर, उसमें अंडर सी पावर केबल्स लेके आना पड़ेगा पहले पोर्ट तक। पोर्ट पे वो लैंड करेगा, लैंडिंग स्टेशन जो बनेगा वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इसीलिए पहला जो प्रोजेक्ट होता है उसमें वायबिलिटी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में वो प्रोजेक्ट नेचुरल इकोनॉमिक लेवल पे आ जाता है, और जो आगे वाले प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं रहता है, इसीलिए इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग का एलिमेंट है। वो एस्टिमेट आपके पास डिटेल्स आ जाएंगे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा उस तरह से आ जाएंगे। सवाल 280 आप ले लें। सर, प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। वधावन पोर्ट ट्रस्ट पर आपने कहा कि स्टेक होल्डर से बात की गई है, लेकिन मैं देख रहा था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे इसको अपोज कर रहे हैं, और भी पॉलिटिकल अपोजिशन है इसको लेकर, क्या उनसे कोई बात हुई है और स्मूथ क्रियान्वयन हो इसका, आपको इसका भरोसा है? क्योंकि उन्होंने कहा था अभी लोकसभा चुनाव में कि वो इसको अपोज करेंगे टूथ एंड नेल। जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, फिशरमैन हो, वहाँ पे रहने वाले गांव में रहने वाले व्यक्ति हो, एनवायरमेंटल कंसर्न्स रखने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन सब को एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया गया है, और जो देश का कानून है उस कानून के अनुसार कंप्लीट सारे के सारे अप्रूवल्स दिए गए हैं। और ये महाराष्ट्र के लिए इतनी बड़ी इकोनॉमिक हब बनने वाला है कि मुझे भरोसा है डेफिनेटली सभी इसका सहयोग करेंगे। नंबर 126। हाय सर, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर, जो एमएसपी बढ़ाया गया है, क्या इसमें फूड इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है, उसको कंसीडर क्या एमएसपी के तौर में किया गया है या नहीं? एमएसपी का जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है, कंप्लीट इसका कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन बहुत ही साइंटिफिक वे में होता है। उसमें डिमांड एंड सप्लाई, इंटरनेशनल प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ ऑल द इंपोर्ट्स, फूड इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट, कंज्यूमर्स पे इम्पैक्ट, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक कंप्लीट एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, उस साइंटिफिक तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। नंबर 25। हेलो सर। हेलो सर, यारो के फ्रॉम मनी कंट्रोल। सर, रेलवे सेफ्टी हैज कम अप अगेन रिसेंटली एंड यू हैव कम बैक फ्रॉम वेस्ट बंगाल जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो। Is the cabinet looking to approve any scheme for, you know, enhancing railway safety in the near future? Is the cabinet दोबारा बोले, और मैं request कर रही थी कि आज के cabinet decision पर हम ज़्यादा question face करें। ये 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन से related है? नहीं sir, it's on railway safety। अभी दूर जाते हैं उस। हम cabinet decisions की पहले बात कर लें। Thank you so much sir, I think we've had a detailed